वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस, माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल फ्लेवर केक विद सीक्वेंस इफेक्ट, या फिर आप इसे पल इफेक्ट भी बोल सकते हो। ये केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो एगलेस वेनिला केक स्पॉन्ज लिए है। ये 1/2 kg के केक स्पॉन्ज है और इन्हें मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया है। मार्केट स्टाइल केक प्रीमिक्स घर पे रेडी करके उससे मैंने ये केक स्पॉन्ज बनाए है। उसका मेरा ऑनलाइन क्लास है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। केक स्पॉन्ज को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कैसे बनाना है, इसका वीडियो मैंने इस केक सेशन के स्टार्टिंग में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अब इस केक स्पॉन्ज को हम इक्वल लेयर्स में कट करेंगे। केक स्पॉन्ज के लेयर्स प्रॉपर कैसे कट करने हैं ये मैंने केक सेशन के स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बताया है। अब ये दूसरा केक स्पॉन्ज जो है, इसके भी मैं लेयर कट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम को रेडी करके एक पाइपिंग बैग के अंदर भर के लिया है और एक केक बोर्ड भी लिया है। इस केक बोर्ड के ऊपर मैं थोड़ा सा क्रीम लगा रही हूँ। अब केक स्पॉन्ज का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसे मैं इस केक बोर्ड के ऊपर रख रही हूँ। अब केक स्पॉन्ज के इस लेयर को मैं सिंपल वाटर से सोक कर रही हूँ। आप इसे शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हो। इस केक को फिनिशिंग देने के लिए, लेयरिंग करने के लिए आज मैं रिंग का यूज़ करने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने केक स्पॉन्ज के साइज का रिंग लिया है 6 इंच का। रिंग को ऐसे हमें रखना है प्रॉपरली। अब यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग के अंदर रेडी व्हिप क्रीम, मतलब व्हिप क्रीम फेट के रेडी करके भर के ली है और उससे मैं अब इस केक स्पॉन्ज के ऊपर लेयर लगाने वाली हूँ। पाइपिंग बैग का यूज़ करने से लेयर जो है इक्वल आते हैं, फिनिशिंग अच्छा आता है। इसके ऊपर आप डायरेक्ट क्रीम लगा के भी लेयरिंग कर सकते हो। क्रीम लगाने के बाद हमें पैलेट नाइफ से क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करना है। अब ये हमारा है पाइनएप्पल केक। तो पाइनएप्पल का फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं पाइनएप्पल क्रश। यहाँ पे ये मेरे पास मालास का पाइनएप्पल क्रश है। ये होल क्रश है, मतलब इसमें छोटे छोटे पाइनएप्पल के टुकड़े भी है। तो इसके ऊपर अलग से पाइनएप्पल के पीसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। पाइनएप्पल केक के लिए कभी भी फ्रेश पाइनएप्पल नहीं यूज़ करना है। उसे आपको शुगर सिरप में पका के उसके बाद यूज़ करना है, या फिर डायरेक्ट जो क्रश मिलता है या फिर टीन का पाइनएप्पल जो होता है वो यूज़ करना है। अगर आप डायरेक्ट पाइनएप्पल यूज़ करेंगे तो उसके खट्टेपन से क्रीम जो है ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जो मैंने पाइनएप्पल क्रश, होल क्रश जो है यूज़ किया है, उसके अंदर छोटे छोटे पाइनएप्पल के पीसेस है। पाइनएप्पल केक के अंदर आपको अगर एक्स्ट्रा पाइनएप्पल का फ्लेवर चाहिए तो आप स्पॉन्ज बनाते समय उसके अंदर पाइनएप्पल इसेंस और थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर सकते हैं। अब केक स्पॉन्ज का जो मिडल वाला लेयर है उसे मैं मिडल में ही रख रही हूँ। देखिए ये केक स्पॉन्ज कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है। इसमें बिल्कुल भी केक जेल का वगैरह यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये कितना सॉफ्ट मॉइस्ट बना है। अब इस केक के सेकेंड लेयर को भी हमें अच्छे से सोक करना है। अब इस सेकेंड लेयर के ऊपर मैं आपको डायरेक्ट क्रीम लगा के दिखाती हूँ। इस व्हिप क्रीम के अंदर आप थोड़ा सा क्रश भी ऐड कर सकते हो और उसे इस तरह थोड़ा सा मिक्स करके आप इस लेयर के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। फ्रेंड्स, रिंग का यूज करने से इस लेयर के ऊपर क्रीम को स्प्रेड करना कितना इजी जा रहा है। अब हमें इस रिंग को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। अब इस क्रीम के लेयर के ऊपर हम क्रश स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इतना क्रश डाला है, पाइनएप्पल क्रश। अब इस क्रश को हमें पैलेट नाइफ से अच्छे से इस लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। अब इस तरह हमें सारे लेयर्स को कंप्लीट करना है। जैसे जैसे हम लेयर्स कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे इस रिंग को हमें ऊपर उठाना है। और जैसे हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट किया है सेम उसी तरह हमें सारे लेयर्स को कंप्लीट करना है। अब सारे लेयर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम रखेंगे लास्ट का लेयर। जो केक का सबसे लास्ट वाला लेयर था उसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट में रख दिया है। धीरे से हमें इसका बटर पेपर निकालना है। अब इस लेयर को भी हमें अच्छे से सोक करना है। अब हमें हमने जो रिंग रखी थी उसे केयरफुली निकालना है। फ्रेंड्स, रिंग का यूज करने से क्रीम जो है लेयर्स में इवनली स्प्रेड हुई है और टाइम भी हमारा बहुत बचता है। मैं आपको इसका फिनिशिंग दिखाती हूँ थोड़ा सा टर्निंग टेबल को राउंड घुमा के। रिंग का यूज करने से ज़्यादा क्रीम वेस्ट भी नहीं होती है। अब इस केक को हम क्रीम से कवर करेंगे।
उसके लिए मैंने रेडी व्हिप क्रीम को केक के ऊपर डाला है। अब पैलेट नाइफ का यूज़ करके इस क्रीम को हमें साइड में करते हुए अच्छे से इस केक के ऊपर स्प्रेड करना है। क्रीम के साथ काम करते समय हमें एकदम हल्के हाथ से ये काम करना है और पैलेट नाइफ जो है उसे बार बार क्लीन करना है, तो आपका केक का जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा आएगा। अब साइड में जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें केक के साइड में अच्छे से स्प्रेड करना है और केक के साइड से भी हमें केक को फिनिशिंग देना है। अब इस केक के साइड की जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे मैं पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड करके केक को कवर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। क्रीम को स्प्रेड करते समय आपको कहीं भी गैप्स दिख रही है, क्रीम कम लग रही है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्रीम लगानी है और वो गैप्स जो है वो फिल करने हैं। अब क्रीम को मैंने स्प्रेड करके केक को पूरा कवर कर दिया है। अब हम इस केक को फिनिशिंग देंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्क्रैपर लिया है। स्क्रैपर को हमें थोड़ा सा ओपन पकड़ना है और टर्निंग टेबल को हमें स्क्रैपर की तरफ टर्न करना है। अब केक के ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें पैलेट नाइफ को थोड़ा सा ओपन पकड़ के अंदर की तरफ पुश करना है। अब ये केक डन है क्रीम लगा के। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। इस केक को हम सीक्वेंस इफेक्ट या फिर आप इसे पर्ल इफेक्ट भी बोल सकते हो वो देने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये राइस क्रिस्पीज लिए है। ये आपको केक मटेरियल के शॉप में इजी मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। जैसे मुरमुरे होते हैं उसी टाइप में ये राइस क्रिस्पीज है, लेकिन ये छोटे छोटे बॉल्स में होते हैं। अब हमें ये जो राइस क्रिस्पीज है उन्हें इस केक के ऊपर लगाना है, मतलब इस क्रीम के ऊपर हमें इसे चिपकाना है। ऐसे राइस क्रिस्पीज केक के ऊपर लगाते समय केक के नीचे आप बड़ा प्लेट रखिए, तो ये जो राइस क्रिस्पीज है एक्स्ट्रा वाले वो उस प्लेट के अंदर गिर जाएंगे। अब इसी तरह इन राइस क्रिस्पीज को मैं इस केक के ऊपर लगा के कवर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। केक के साइड में पूरे राउंड में मैंने राइस क्रिस्पीज लगाए हैं। अब केक के टॉप में भी थोड़े से राइस क्रिस्पीज डाल के हम केक के टॉप को भी उससे कवर करेंगे। अब जहाँ जहाँ हमें गैप्स दिख रहे हैं वहाँ पर हमें ये राइस क्रिस्पीज डाल के वो गैप्स को फिल करना है। अब हमने जो राइस क्रिस्पीज लगाए हैं उनके ऊपर हम गोल्डन डस्ट करेंगे। अब मेरे पास जो डस्ट कलर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो डस्ट कलर है ऐसे पाउडर फॉर्म में होते हैं। इस डस्ट कलर की जगह पे आपके पास अगर ये वाले पाउडर स्प्रे कलर अवेलेबल है तो आप इसमें से ये ढक्कन खोल के इस बॉटल में से भी जो डस्ट कलर है वो भी पाउडर फॉर्म में होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें थोड़ा सा डस्ट कलर एक बाउल में निकालना है। अब इस डस्ट कलर को मिक्स करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लिक्विड इवेपोरेटर। ये आपको ऑनलाइन या फिर केक मटेरियल के शॉप में इजी मिल जाएगा। अगर हम डस्ट कलर को डायरेक्ट केक के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, उसके लिए उसे हमें इवेपोरेटर के अंदर मिक्स करना पड़ता है। ये कलर स्प्रे करने के बाद इवेपोरेटर जो है वो हवा में इवेपोरेट हो जाता है और कलर वैसे का वैसा रहता है। अब डस्ट कलर को मैंने इवेपोरेट डाल के ऐसे मिक्स करके लिया है। अब हमने जो कलर मिक्स करके रखा है उसे हमें फटाफट इस डिब्बी के अंदर डालना है। ये मेरे पास स्प्रे पंप है, इसमें ऐसे तीन डब्बियाँ आती है, उसमें से मैंने एक ली है। उसके अंदर हमें फटाफट ये जो मिक्स किया हुआ कलर है उसे डालना है, नहीं तो ये इवेपोरेटर है इवेपोरेट हो जाएगा हवा में और कलर बॉटल के अंदर सूख जाएगा। अब ये जो गोल डिब्बी है स्प्रे पंप का उसे मैंने स्प्रे पंप पे लगाया है। अब हमें केक से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के इस कलर को हमें स्प्रे करना है। अगर नज़दीक से स्प्रे करेंगे तो ये जो राइस क्रिस्पीज है हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। उसके लिए हमें स्प्रे पंप को थोड़ा सा दूर पकड़ना है और इस कलर को हमें स्प्रे करना है। हमने जो बाउल में कलर मिक्स किया है उसे आप ये जो आपको गोल स्प्रे पंप की डिब्बी दिख रही है उसके अंदर भी डायरेक्ट मिक्स कर सकते हो, उससे आपका काम फटाफट हो जाएगा। स्प्रे करते समय अगर कलर सूख जाता है या ख़त्म होता है तो आपको उसी सेम डिब्बी में फिर से कलर को रेडी करना है, डस्ट कलर के अंदर इवेपोरेट डाल के और केक के ऊपर स्प्रे करना है। अब केक के साइड में पूरे राउंड में मैंने गोल्डन डस्ट कलर को स्प्रे कर दिया है। अब हम केक के टॉप में भी गोल्डन डस्ट कलर को स्प्रे करेंगे।
टॉप पे कलर को स्प्रे करते समय हमें केयरफुली ये काम करना है। स्प्रे पंप को थोड़ा सा दूर पकड़ना है और धीरे धीरे हमें कलर को स्प्रे करना है, नहीं तो स्प्रे पंप की हवा से ये जो राइस क्रिस्पीज है यहाँ वहाँ बिखरेंगे। अब ये हमारा केक रेडी है। इसे थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ये क्राउन का केक टॉपर है, वो रख रही हूँ। ये केक ऐसे ही बहुत सुंदर दिख रहा है, इसे और कुछ भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर केक विद सीक्वेंस इफेक्ट, या फिर आप इसे पर्ल इफेक्ट भी बोल सकते हो, ये रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये केक आप ज़रूर बनाइए, और ऐसे ही अलग अलग रेसिपीज और केक के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।